दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम लगातार आपको खगड़िया के मानसी प्रखंड की न्यूज दे रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि समीर खान उर्फ सद्दाम हुसैन को वहां के जो एससी एक्ट के तहत उनको जो फंसाने का काम कर रहे थे, उसमें 10 मई को वह जेल में गए और आज ही वह जेल से रिहा होकर आए। उन पर एक गलत तरीके से एससी एसटी एक्ट के तहत गौतम चौधरी जो उनको फंसाए थे, सदाम हुसैन उर्फ समीर को, जिनका पिताजी का नाम मंसूर आलम है, जिसका कोई भी लेना देना नहीं था इस जमीन पर, फिर भी उनको फंसा दिया गया है और 10 मई को जेल में गए थे। उन्होंने बार बार कंप्लेन किया था, लेकिन उस कंप्लेन का कोई वहां के थाना अध्यक्ष ने कोई संज्ञान में नहीं लिया और उनको जेल में भेज दिया गया था। तो उनका आरोप था कि वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनका आरोप था समीर खान का कि वो पैसे की उगाही करके उनको जबरन जेल में डाल दिया गया है। और उनका जो कंप्लेन था, उन्होंने जो कंप्लेन किया था उनके ऊपर, उस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो उनका सीधा आरोप है कि वह पैसे का खेल करके, आप देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे उन्होंने लेटर लिखा था, कंप्लेन दिया था, FIR का जो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने जो कंप्लेन किया था उस पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है, किसी की भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। सारे कंप्लेन मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं, देखिए उसमें पूरा लिखा हुआ है कौन कौन से धारा के अंतर्गत उस पर FIR की गई थी। आप खुद सुनिए समीर खान ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जेल भेज दिया गया था 10 मई को, केस नंबर 10-20 SC ST में, जो कि ग्राम कचहरी से भी सारा पेपर था, क्योंकि ऐसा कुछ कांड ही नहीं हुआ था। गाली गलौज का आरोप लगाकर और थाना अध्यक्ष पर आरोप दिया था कि घूस लेता है थाना अध्यक्ष महोदय जी, FIR दर्ज नहीं करते हैं, उसको SP साहब को दिया गया था। और अगला विपक्षी जो था थाना अध्यक्ष महोदय जी पे आरोप लगाकर 10 दिन बाद FIR दर्ज किया मीडिया में दे करके, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे पास ग्राम कचहरी का लेटर पेड भी है, उस पर सरपंच और जी का जितने भी पंच जी होते हैं उस पर सिग्नेचर भी किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस केस में मुझे जेल भेज दिया गया था और जो अपराधी सब मेरे पे हमला किया, जिस पे कि 28 केसेस भी हैं पहले से, मानसी थाना कांड संख्या 137/21 केस दर्ज किया गया, अगला का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, कब मुझे मार देगा यह मुझे भी अभी तक नहीं पता है। और मैं आज ही रिहा हुआ हूँ जेल से, आज तारीख 2/7/2021 को। आप सबसे निवेदन है DSP साहब से, SP साहब से, थाना अध्यक्ष साहब से कि मेरा इस चीज़ का निर्णय करें। मुझे एक फर्जी मुकदमा में भेज दिया गया था, जो कि मैं मुखिया उपमुखिया के विरुद्ध में आवाज़ उठाया था, जो कि इंदिरा आवास में घुस लेकर कैसा काम किया था, 35,000-40,000 ले लेता था, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया था, तो मुझे जेल भिजवा दिया गया सब मिल करके। आप सबसे आग्रह करता हूँ, समीर खान छात्र राजद मुंगेर प्रमंडल सचिव।